हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता। बहुत टाइम बाद हम एमसीक्यू ला पा रहे हैं। बीच में डिले हो गया, ठीक है। और अब कोशिश करूंगी कि रेगुलर रहे हम लोगों का ये क्विज का, क्योंकि एग्जाम पास है, टाइम बहुत कम है। सजेशंस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शंस में, तो सारे सजेशंस तो नहीं मान पाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बट फिर भी कोशिश करूंगी कि आपके जो भी मैक्सिमम सजेशंस मुझे मिल रहे हैं कमेंट्स में, वो पूरे किए जाएं, उन पे वीडियोस मैं बना पाऊँ। तो आज का जो हमारा है टॉपिक, वेव ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज इंटरफेरेंस के हम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटरफेरेंस फिनोमेना कैन टेक प्लेस इन ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, ऑल ऑफ द अबव। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, करिए इसको। और सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो टाइम भी नहीं चाहिए कैलकुलेशन के लिए इसमें। तो इंटरफेरेंस फिनोमेना, यस, ऑल, आप सब सही हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, कि सभी वेव्स में इंटरफेरेंस फिनोमेना हो सकता है अगर वो सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो सुपर इम्पोज करेंगी और इंटरफेरेंस होगा वेव्स के बीच में, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव्स हो या स्टैंडिंग वेव्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम द सुपर पोजिशन ऑफ अ टू वेव्स ऑफ अ सेम फ्रिक्वेंसी एंड हैव कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्जन। और अभी मैंने इसको बताया है कि अगर सुपर इम्पोज करती हैं लाइट तो क्या बोलते हैं उसको। तो सबका सही है, यस, इंटरफेरेंस, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, अगर हमें सस्टेन इंटरफेरेंस चाहिए, तो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्व एंड लाइट वेव इंटरफेयर एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, एनर्जी, मोमेंटम। टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या चीज़ कंजर्व रहती है जब इंटरफेयर होता है? तो ये मैंने, जब हमने इंटरफेरेंस डिस्कस किया था क्लास में, तो भी डिस्कस किया था, वीडियोज़ में भी है। तो यस, एनर्जी कंजर्व रहती है। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरफेरेंस टू वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, देन द इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी 4 I0 फॉर कोरेंट सोर्सेस, 2 I0 फॉर कोरेंट सोर्सेस, 4 I0 फॉर इनकोरेंट सोर्सेस, 3 I0 फॉर इनकोरेंट सोर्सेस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो टू वेव्स हैं, हर एक की इंटेंसिटी आई नॉट है, और अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं तो ऑप्शन, यस, 4 ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, 4 I0 फॉर कोरेंट सोर्सेस। और इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इंटरफेरेंस में, वो होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos phi है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी, तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो जब यहाँ पे आई वन और आई टू की वैल्यू हम आई नॉट रखेंगे और कॉस पाई की वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई रखेंगे, तो आई जो है 4 I0 और कोरेंट सोर्सेज आएगा। इन कोरेंट से हमें इंटरफेरेंस नहीं मिल पाता है, इंटरफेरेंस की असेंशियल कंडीशन यही है कि सोर्स मस्ट बी कोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन दम इज 0, π/2, π/4, π। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और सोचिए, मैंने इसको भी डिस्कस किया है, फेज डिफरेंस के टर्म्स में भी किया है और पाथ डिफरेंस के टर्म्स में भी किया है इंटरफेरेंस में, ठीक है। तो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, पाई। और इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला अभी पीछे भी मैंने लिखा था, पाई इक्वल टू या आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi होता है। तो cos phi की वैल्यू अगर इवन मल्टीपल है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और अगर ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा इसमें, अगर इसमें यहाँ ध्यान से देखें,
तो पाई अगर ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इवन मल्टीपल मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, ऑड मल्टीपल होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा पाई का। तो ऑड मल्टीपल क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहा है इसलिए ऑड मल्टीपल, और ऑड मल्टीपल यहाँ पे सिर्फ पाई ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय फोर एंड ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय फोर। तो एक टू एन माइनस वन है, एक टू एन प्लस वन है, दोनों ही ऑड मल्टीपल है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, और सोचिए जो पार्ट डिफरेंस की कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में, इंटरफेरेंस की कंडीशंस। फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होंगी, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया। यस, ए ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है, टू एन लैम्डा बाय टू इवन मल्टीपल ऑफ पार्ट डिफरेंस, अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू है मैक्सिमा की कंडीशन है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू है तो मिनिमा की कंडीशन है। फेज डिफरेंस की कंडीशन अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई मैक्सिमा देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिनिमा देता है। तो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में आपको रिलेशन पता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन रखेंगे तो पार्ट डिफरेंस की टर्म्स में मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी, फेज डिफरेंस में मिनिमा की कंडीशन रखेंगे तो मिनिमा की पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में कंडीशन आ जाएंगी। तो लेकिन याद ही रखना चाहिए, कैलकुलेट करने के लिए जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि पार्ट डिफरेंस अगर हमारा इवन मल्टीपल है लैम्डा बाय टू का तो मैक्सिमा की कंडीशन है, पार्ट डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल है, टू एन प्लस वन ले लीजिए चाहे टू एन माइनस वन लीजिए लैम्डा बाय टू, तो मिनिमा की कंडीशन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव द मोस्ट बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट, अ कैंडल, अ बल्ब, मर्करी लैम्प और लेजर सोर्स। तो कौन सा सोर्स है जो बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, और ये तो अब हमें पता ही होना चाहिए क्योंकि हम लोग जो है लेजर भी पढ़कर आ चुके हैं कि लेजर सोर्स जो है वो बेस्ट मोनोक्रोमेटिक कोहरेंट सोर्स होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा, लेजर सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू लाइट सोर्सेज आर सैड टू बी कोहरेंट इफ वेव प्रोड्यूस बाय देम हैव सेम एम्पलीट्यूड ओनली, वेव लेंथ ओनली, एम्पलीट्यूड एंड वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्विज में मैंने मैक्सिमम जो है क्वेश्चन ऐसे रखे हैं थ्योरिटिकल बेस्ड और कंडीशन बेस्ड, सॉल्व करने वाले अभी इसमें नहीं है, वो नेक्स्ट क्विज में रखेंगे हम लोग। तो इसका ऑप्शन भी आप लोगों ने बता ही दिया होगा, सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, फ्रिक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। टू सोर्स को हम तभी कॉन्स्टेंट बोलते हैं जब उनका बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इज स्प्रेड ऑन अ वाटर सरफेस इट्स डिस्प्ले ब्यूटिफुल कलर इन अ डे लाइट बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नन ऑफ द अबव, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये ऑप्शन भी बहुत सिंपल है, वैसे तो आपको पता ही है हम किस टॉपिक के जो है एमसीक्यू कर रहे हैं, तो जब जिस टॉपिक के एमसीक्यू कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उसी के जो है आंसर होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो हमें कलर्स दिखाई देते हैं ऑयल ड्रॉप पे जब वो वाटर सरफेस पे होती है, वो ड्यू टू इंटरफेरेंस दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन अ फिल्म ऑफ अ एयर फिल्म ऑफ वेयरिंग थिकनेस, द एसेंशियल कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई टू इंटरफेयरिंग रे इन ट्रांसमिटेड सिस्टम, टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू टू एन लैम्डा बाय टू, टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू, टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा, टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू। टाइम स्टार्ट्स नाउ, और क्वेश्चन में एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। हम कई बार क्या करते हैं एकदम ऐसे ही टिक कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं क्वेश्चंस को। टाइम तो आपका एंड हो गया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, वेयरिंग थिकनेस है तो मतलब पार्लर फिल्म या थिन फिल्म नहीं है, वैश्य फिल्म का केस है। तो वैश्य फिल्म में आर और थीटा दोनों आते हैं तो ऑब्वियस है ऊपर की दोनों कंडीशंस में से कोई सी कंडीशन होगी,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहा है, मतलब मैक्सिमा की कंडीशन बोल रहा है, और ट्रांसमिटेड सिस्टम में बोल रहा है। तो ट्रांसमिटेड सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम से जस्ट अपोजिट होता है, 2μ(r+θ) = 2nλ/2। और यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टेड की कंडीशंस दिखा रखी हैं आपको कि मैक्सिमा में रिफ्लेक्टेड के केस में कंडीशन होती है 2μ(cos r+θ) = odd multiple of λ/2, और मिनिमा की कंडीशन निकल कर आती है 2μ(cos r+θ) even multiple of λ/2। तो ऑब्वियस है ट्रांसमिटेड में मैक्सिमा की कंडीशन ये होगी जो यहाँ पर मिनिमा की कंडीशन है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं ट्रांसमिटेड सिस्टम में रिफ्लेक्टेड सिस्टम से, में दोनों अपोजिट होते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोरेंट सोर्स, अ 60 वॉट एंड 40 वॉट बल्ब, टू हाफ्स ऑफ 60 वॉट बल्ब, टू वर्चुअल सोर्स ऑब्टेन बाय प्रिज्म, टू बल्ब ईच ऑफ 40 वॉट। तो इसमें से कौन सा सोर्स कोरेंट सोर्स होगा? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है आंसर देने का, आपने आंसर देने स्टार्ट भी कर दिए होंगे, और मुझे लगता है मैक्सिमम आप लोग सब आंसर सही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है कि कोरेंट सोर्स हम बायप्रिज्म से जो सोर्स मिलते हैं वो कोरेंट सोर्स होते हैं। बायप्रिज्म हो गया, या डबल स्लिट हो गया, या मिरर मैथड हो गया, लॉयड मिरर मैथड, इन सबसे हम कोरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा पढ़ते भी हैं कि टू सोर्स डिफरेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोरेंट, हम कोरेंट सोर्स नॉर्मली सिंगल सोर्स से कोरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका, टू वर्चुअल सोर्स ऑब्टेन बाय प्रिज्म। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। न्यूटन रिंग अरेंजमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट नेचुरल नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट नेचुरल नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका, ध्यान से करिए। और डायमीटर्स के जो एक्सप्रेशन हैं डार्क रिंग का और ब्राइट रिंग का, वो याद भी रखिए, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी तो उस पर आ ही रही है। तो यस, आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, और एक्सप्रेशन ये आपके सामने है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा tn√2n-1r2λ/μ। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिस स्पेयर का पार्ट है उसका, लैम्डा वेवलेंथ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर एयर फिल्म है तो म्यू 1 हो जाएगा। तो डार्क यहाँ पे है, ब्राइट रिंग के लिए जो डायमीटर है dn वो ऑड नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि डार्क रिंग का जो डायमीटर है वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, इवन नहीं होता है, नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन रिंग अरेंजमेंट ब्राइट एंड डार्क रिंग आर ऑब्टेन यूजिंग येलो सोडियम लाइट, इफ एंटायर अरेंजमेंट इज डिप इन वॉटर इन टू अ वॉटर, द डायमीटर ऑफ रिंग इज इंक्रीजेस डिक्रीजेस, फ्रिंज पैटर्न डिसअपीयर रिमेन अनचेंज। टाइम स्टार्ट हो गया है कि अगर हम ये पूरा अरेंजमेंट न्यूटन रिंग अरेंजमेंट जो है वाटर के अंदर डिप कर दें तो रिंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या होगा, जो एयर फिल्म है, एयर फिल्म की जगह क्या हो जाएगा, वहाँ पे वाटर वाली ये फिल्म हो जाएगी, और वाटर आ गया जब दोनों प्लेन ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया जो है वाटर का, तो डायमीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू के। तो ऑब्वियस है कि म्यू इंक्रीज हो गया तो dn जो डायमीटर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो dn डिक्रीजेस। यहाँ मैंने डार्क रिंग का डायमीटर लिख रखा है, ब्राइट में भी सेम म्यू जो है इन्वर्सली अंडर रूट में आता है, तो वो भी डिक्रीज ही होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड का हमारा। इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आर ऑब्टेन यूजिंग सोडियम येलो लाइट, व्हाट हैपन इफ द टॉप सरफेस ऑफ अ ग्लास प्लेट ऑन विच लेंस इज कैप्ड इज हाईली सिल्वर्ड। अब अभी ठीक है, एक्चुअली इसको भी मैं बाद में बताती हूँ। फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ रिमेन अनचेंज, और फ्रिंजेस डिसअपीयर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी क्या था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है हमने प्लेन ग्लास प्लेट पे रखा था, तो हमें सर्कुलर रिंग्स दिखाई देती हैं। अब हमने उस प्लेन ग्लास प्लेट की जगह सिल्वर्ड मिरर रख लिया, तो क्या होगा, फ्रिंजेस डिसअपीयर हो जाएंगी, क्योंकि जो फ्रिंज वहां पे जो हमारा
पैलर फ्रिंज या बैशियर फिल्म बन रहा था वो वैसा नहीं बनेगा। लाइट जो है सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो मिरर है वहां से, तो फिर फ्रिंजेस हमें नहीं दिखाई देंगे। अभी क्या था, अपर सरफेस से और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी और कुछ ट्रांसमिट भी हो रही थी, तो उनके बीच में इंटरफ्रेंस हो रहा था। अभी तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो फ्रिंजेस नहीं दिखेंगी और उनके बीच का इंटरफ्रेंस मैक्सिमम मैक्सिमा दिखेगा, तो वहां पे हमें मैक्सिमा या मिरर दिखाई देगा। तो चलिए, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस का हम फर्स्ट वीडियो एंड करते हैं, और दो वीडियोस और आएंगे इंटरफेरेंस में। वेव ऑप्टिक्स में 5 to 6 वीडियोस होंगे क्योंकि डिफ्रैक्शन के भी अभी आने हैं। और कंटिन्यूअस चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी आपके सजेशंस हैं या जो भी आपको रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करती रहिए वीडियोस से रिलेटेड। और कोशिश करूंगी कि आपको जो भी पढ़ाई का स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करना है, कोशिश करूंगी कि वीडियोस के थ्रू मैं आपको करती रहूं। हैव अ गुड डे।